गाइस वेलकम टू वीएम लाइफस्टाइल। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज जो है वो हम जा रहे हैं दुबई मॉल, और दुबई मॉल जो है वो पे विजिट करेंगे। सेल वगैरह लगी हुई है, आपको भी दिखाएंगे, और एक और जगह जहाँ जाना है वो भी आपको दिखाएंगे। हम जो है दुबई दुबई मॉल आ गए हैं, तो आगे आपको विजिट करवाते हैं। ये देखिए गाइस, दुबई मॉल में भी ट्रेंड फॉर लेस है। मैंने आपको कहा था ना कि यहाँ पे जो है वो 5-6 हैं। तो मैंने आपको कहा था ना, एक और जगह हमने जाना है, मतलब कि दुबई मॉल के अंदर ही, तो वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, ये है दुबई एक्वेरियम एंड अंडर वाटर जू। अभी सिस्टर जो है वो पता कर रही हैं और टिकट्स वगैरह ले रही हैं, तो यहाँ से जो है हम टिकट्स ले रहे हैं। ये देखिए, और उसके बाद जो है वो हम इसके अंदर एंटर होंगे। आप पिक्चर्स देखें, ये ऐसे जो ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है ना हेलमेट सा, ये हेलमेट बनाते हैं और फिर हम अंदर जा सकते हैं, और सारा जू टाइप है ये। ये है वो जगह जहाँ पे हमने अंदर जाना है, लेकिन देखते हैं कि हमें जो है वो जगह मिलती है कि नहीं, क्योंकि रश तो है। ये एंट्रेंस में हम जा रहे हैं। ये देखिए गाइस, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये हम इसके अंदर आ गए हैं। अच्छा, बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए हमारे सारे साइड्स पे जो है वो फिश है। बात करनी है जाती हूँ ये वो चिपकी रहती है और एक्वेरियम साफ रहता है, फंगस सारा था। हाँ, वो देखो एक ही बैठी हुई है। ये देखिए गाइस, सारे देखिए। जी गाइस, अब हम एग्जिट हो रहे हैं। और ना अंदर जो लोग गए थे उसमें से वो जितने बादल निकल रहे हैं, उनसे किस तरह खूबसूरत लग रहा है सारा सीन, और कलर किए गए जब आप खुद आओगे तो आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। जी गाइस, ये केज है जिसके अंदर अंदर चले जाते हैं। जी गाइस, तो अभी हम एक और एरिया है वहाँ जा रहे हैं, उसकी भी टिकट दे रही है जो ना दे देते हैं। ये पिक्चर्स जो हैं वो ऐसे क्लिक हो जाती हैं और ले लेते हैं। तो अभी हम दूसरे पोर्शन जा रहे हैं गाइस। तो जब तक हम ऊपर जा रहे हैं, मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो है हमें, जब हमने ये टिकट ली है तो उसके साथ हमें जो है वो मूवी टिकट्स भी मिली हैं। हम यहाँ दुबई मॉल में जो है वो मूवी भी देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सारा उन्होंने जो है वो पैकेज बनाया हुआ है, तो जो है बड़ा अच्छा सा मुझे ये पैकेज लगा है, और बहुत खूबसूरत व्यू था, बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए
देखिए गाइस, ये इन्होंने जो है फुटप्रिंट्स बनाए हुए हैं जिसको फॉलो करके हमने ऊपर जाना है कि यहाँ से आप ऊपर जाएं और फिर जो है वो आपको मतलब कि ऊपर वाला एरिया मिल जाएगा जहाँ पे आपने जाना है। तो बड़ा अच्छा ये सीन था। और गाइस, जब भी कोई भी यहाँ पे आए तो यहाँ पे ज़रूर आए और होप्स हो कि आप लोग ज़रूर ज़रूर यहाँ पे आओगे। और ये दुबई मॉल में है और पैकेज भी बहुत अच्छा है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसके अंदर हमने जाना है, मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत व्यू है, मैं आपको बार-बार वाला व्यू दिखा रही हूँ। मैं भी ऐसे जाना है जी गाइस। तो हम एंटर हो रहे हैं, ये देखिए गाइस इनकी थीम चेक करें, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। जब आप लोग आएंगे तो बहुत ही आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो ज़रूर 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 आइएगा। मैं वो चीज़ें आप लोगों को दिखाती हूँ जहाँ पे आप आ सकते हैं। ये है ज़ू, देखे रेन फॉरेस्ट, बहुत खूबसूरत है। ये देखो बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो मकाऊ है, मकाऊ मकाऊ। जी गाइस, ये देखिए आपको नजर आ रहे हैं कि नहीं, कितनी प्यारी टिड्डे टिड्डे। चेक करें हम, ये देखिए मकाओ, मकाओ नजर आ रहा है आपको? नहीं, ये है ये देखिए, ये देखिए गाइस बेबी फिश, ये खूबसूरत लग रही है। अभी नीचे वाली दिखाती हूँ आपको कलर। ये देखिए गाइस, हम पेंगुइन साइड पे जा रहे हैं, आपको पेंगुइन से खाते हैं अब आगे। Thank you.
फिश चेक करें कितनी छोटी छोटी हैं, मैं आपको बड़ी वाली दिखाती हूँ। ये चेक करें। ये जो एरिया है ना, यहाँ पे वो फूड बनाते हैं, फूड प्रिपरेशन होती है इस एरिया में सारी फिश की। चेक करें आप, लिखा भी हुआ है, मैं स्टील कर रही हूँ ताकि आप लोग पढ़ सकें। तो दोबारा से मैं आपको दिखा रही हूँ इस साइड का जो है वो आपसे क्लियर आई थिंक सो नहीं पढ़ा जाएगा वहाँ से, तो मैं आपको क्लियरली यहाँ से दिखा रही हूँ, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन हैं ये होनी बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा लगता है क्योंकि आप किसी भी जगह पे विज़िट करो और ये चीज़ें ना दिखाओ तो ये जो है मतलब मज़ा नहीं आता कि इन्फॉर्मेशन पूरी ना मिले। तो एरिया भी आप देख लें नीचे जाते हुए। जी गाइस, तो अब हम जो है क्रोकोडाइल साइड पर जा रहे हैं। ये देखिए गाइस, मैं आपको ये क्रोकोडाइल सॉरी टर्टल्स दिखाती हूँ। ये देखें, ये नाराज है। रखे भी थे हमने एक दफा घर में। हाँ, उनको बीमारी लग गई थी। थे वैसे दोनों प्यारे, हमने भी रखे हुए थे तो इसलिए हम वो बात कर रहे हैं कि बड़े प्यारे हैं वो भी। इधर ने ग्लोब सा बनाया हुआ है और इसके अंदर देखें, नजर तो आपको आ ही रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। आया नजर यहाँ पे भी देखते हैं। है हनिया जी, किधर ये फिश
ये देखें, नहीं नजर आ रही ये बैठी हुई है और ये हनीमा जी को नजर नहीं आ रही थी तो अब चली गई नीचे। कितनी प्यारी है, उसके देखो कलरफुल आईज है, वो नीचे इस साइड। हाँ लंबी भी है सबसे, ये देखें ये बैठा है इसमें कुछ है। हाँ वो है जी गाइस, तो ये देखें ये स्नेक इन्होंने बनाए हुए हैं, आगे जाके देखते हैं और क्या चीजें हैं। हाँ मैंने देखी है, ये है जेलीफिश। अच्छा ये देखिए ये स्टार फिश है और ये रियल है, चेक करें। ये भी चाहिए, और सिस्टर जो हैं वो भी वीडियो बनाते हुए, ये देखिए ये भी आप मेड आउट कर लें, थोड़ा सा पॉज करके भी आप मेड आउट कर सकते हैं। फिश के साथ पिक्चर लेते हुए आपको टाइनी दिखाए थे ना जेली फिश, ये देखें अब ये जो है बिग वाली है, लार्ज जॉइंट साइज, ये मीडियम साइज क्रोकोडाइल्स हैं। ये मैं आपको पिंक क्रोकोडाइल मिस्टर सिज मिस्टर सिज मिसेस हेड, इनकी टेल भी चेक करें, ये यहाँ से यहाँ तक है। फर्स्ट टाइम क्रोकोडाइल देखे ऐसे रियल में, कितने मासूम है। क्या ऊपर कर रही हैं आप, हम नीचे हैं आप ऊपर हैं, हैं क्या घूम घूम रही हैं। अच्छा वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रैब चेक करें, और ये सारे रियल हैं और लग रहा है जैसे आर्टिफिशियल है, बैठे हुए आराम से। वाओ अब आगे चलते हैं, आगे जाके देखते हैं। हाँ वैसी ही बनी हुई है। अच्छा ये देखिए अब हम ऊपर जा रहे हैं इन जगहों को देखने के लिए, अब हम ऊपर जा रहे हैं पिक्चर्स के बाद। किंग एंड क्वीन क्रोकोडाइल एग्स, क्रोकोडाइल एग्स किंग एंड क्वीन, हाँ ये इनके ना। अच्छा रियल शेल्स हैं ये देखो, हाँ क्रैक है इसलिए पता चल रहा है। तो ये सब तो इधर ऊपर आके चढ़ के बैठे होते हैं, आज लकीली वहाँ वाली है। चले अभी ऊपर चलते हैं मामा के पास, अच्छी थी नहीं अच्छी थी, मुझे लगता है अब मैं आइसक्रीम खा लूँ तो मैं ठीक हो जाऊँगी। नहीं हम तो नहीं खा के आए, हाँ अभी भी है फिंचेस, ये देखे फिंचेस और उन्होंने घोसला खुद बनाया था, लेकिन ये अगर हम लोग ऊपर से चढ़ के जाना है, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, बट मैं हर वो काम करती हूँ जिसके बाद मुझे जो है वो ये एहसास हो कि मुझे एडवेंचर ये कर लेना चाहिए था।
ये देखिए क्रोकोडाइल। अच्छा, ये देखिए अमेरिकन एलिगेटर स्केलेटन है, ये लिखा हुआ भी आप पढ़ सकते हैं, आगे भी दिखाते हैं, आगे भी है। Okay, guys, this is Christina. The Nile crocodile. She's big at the top. Thanks for the best. Each species in here has a particular diet, and we prepare their daily. कैसा लग रहा है यहाँ के? All this will be eaten today. Believe it or not, we get through 150 to 200 kilos. और ये ना ने अंदर ही जो है वो शॉप बनाई हुई है। All right, let's get to work. Of course, I can do all this alone. एक चीज मैं कैप्चर करना भूल गई थी, ये देखिए। ओहो क्या हो गया, मामा तो धक्के मार रही है मुझे यहाँ पे। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये है बर्ड्स एरिया, ये आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है बर्ड्स एरिया, अब पता नहीं लोग कहाँ चले गए हैं। हाँ ये आ गए नजर। अभी आगे देखते हैं। हाँ 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 वाह क्या हो गया। ये तो कोई हॉरर्स हॉन्टेड जगह पे आ गए हम। वो हाँ देखिए आपको, हाँ वो उधर वो कोने में, ये जो हिलते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा 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 चले आगे चलते हैं, देखते हैं आगे। मामा की पिक्चर है उधर, ये देखें गाइस आपको दिखाती हूँ अंदर बैठा हुआ, ये देखिए सामने आपको नजर आ रहा होगा। अभी हम जो हैं ये देखिए ये ब्रिज से जा रहे हैं, आपको दिखाती हूँ आगे से भी। चला आगे भी हम ब्रिज से जा रहे हैं। आगे जाते हुए फ्रॉग नजर तो आ नहीं रहा, मनी प्लांट ये देखो। आप लोग देखें, आप लोगों को नजर आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा। लेकिन देखो ना कि कैसी है नीचे एटमॉस्फेयर, वो है पीछे शायद पीछे हिल रहा है, खूबसूरत जगह छुप के बैठा हुआ है, चेक करें। ड्रैगन है, हाँ लिजर्ट है, ये जो गुस्सा में होता है, जो गुस्सा आता है ना, ये कोबरा, कोबरा तो कहीं से नहीं लग रहा ये। बेटा उसकी इज्जत करो, वो बन बैठा है। कंटिन्यू योर जर्नी टू वॉट अंडर वाटर टू ये स्पाइडर, ये मामा और सिस्टर।
ओके गाइस, तो अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। बहुत खूबसूरत व्यू था, मतलब भी बताइएगा। मैं हमेशा हर जो होता है, मतलब जहाँ भी जाती हूँ वहाँ विज़िट करवाती हूँ, मैं तो वो कहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग जो हैं वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो प्लीज़ किया करें, ताकि जो है वो एप्रिसिएशन भी मिलती है और पता भी चलता है आपको वो जगह अच्छी लगी कि नहीं। जी गाइस, तो अब हम घर आ गए हैं और मैं जो हूँ बैलकनी में आई थी, क्योंकि मुझे आज जब हम गए थे एक्वेरियम के अंदर, उसके बाद से मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैंने कहा कि मैं जो एंड है वो बैलकनी में आके करती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी हवा चल रही है। तो गाइस, उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और सारा एक्वेरियम और अंडर वाटर ज़ू देखकर बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना खूबसूरत था सारा कुछ। तो गाइस, इसी के साथ जिन्होंने सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर नहीं किया वो भी कर दें, लाइक का नहीं दबाया वो भी दबा दें, क्योंकि जो हमारी सारी वीडियोस हैं फिर आपको नोटिफिकेशन उनकी मिल जाएगी और फिर आप जो हैं वो कोई भी मिस नहीं करेंगे वीडियो। तो इसी के साथ अगले व्लॉग में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।